कि टर्नरी ऑपरेटर क्या है। इफ एल्स तो हम देख चुके हैं, टर्नरी ऑपरेटर इफ एल्स का ही अल्टरनेटिव है, लेकिन वो इन लाइन लिखा जाता है। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, हमेशा इन लाइन होता है। अच्छा, मैं ज़रा सा अलग एक बना लेता हूँ, एक फोल्डर, मैंने कहा 13 टर्नरी ऑपरेटर, मैंने कहा H1, इन लाइन कंडीशन चेकिंग विद टर्नरी ऑपरेटर, राइट। अब मिसाल के तौर पे मैंने लिखा था लेट टेम्परेचर इक्वल्स, मैंने क्या लिखा था यहाँ पे कि 25 फिलहाल, ये मैं यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ, इमेजिन करो टेम्परेचर जो है। अच्छा, यूज़र से इनपुट लेने के बाद मैंने इसमें कहा कि इफ़, अब मुझे एक सेंटेंस प्रिंट करवाना है, राइट। चैट बॉट में ना असल में हमें इस चीज़ की बहुत दफ़ा ज़रूरत पड़ती है कि हम सेंटेंस बना रहे होते हैं पूरा। बंदा एक सवाल पूछता है नेचुरल लैंग्वेज में सवाल, तो हम उसमें से पैरामीटर एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर ज़ाहिर है डेटाबेस में जाते हैं, वहाँ से वैल्यूज़ उठा के लाते हैं, तो वो वैल्यू में जिस डायरेक्ट डिस्प्ले नहीं करवानी होती, जैसे इसमें तो होता है ना वेब में कि डायरेक्ट वैल्यू प्रिंट करवा दी जो अभी आप करवाते रहें, हमें सेंटेंस बनाना होता है पूरा, ठीक है। तो वो उसमें ना इन लाइन मुझे कंडीशन चेकिंग कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैंने कहा कि भाई अगर टेम्परेचर क्या हो, अगर छोटा हो जाए 25 से, तो मैं यहाँ पे कॉन्सोल में प्रिंट करवाता था कि क्या हो जाए, इट्स कोल्ड बता देता था मैं, ठीक है। लेकिन अब मुझे क्या चल रहा है, अब मुझे पूरा जुमला चाहिए, मुझे जुमला ये चाहिए कि भाई इट इज़ 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट इज़ हॉट या इट इज़ कोल्ड, जो भी होगा। अब ये मैं कैसे काम करूँ, अब ये क्वेश्चन है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये पहले मैं एक लेट बनाऊँगा कि सेंटेंस इक्वल्स टू, एक मैं यहाँ पे लिखूँगा कुछ ना कुछ बात कि भाई इट्स, और अब इट्स के बाद मुझे लगाना है कि कितने सेंटीग्रेड इस वक्त चल रहा है, तो मैं क्या करूँ, तो बड़ा मसला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, हमें टर्नरी ऑपरेटर और ES6 की टेम्पलेट्स बड़े काम आते हैं, ठीक है, ES6 के टेम्पलेट्स। अच्छा, ES6 का टेम्पलेट क्या होता है, मैंने कहा लेट रिजल्ट इक्वल्स टू, और बैकटिक में मैंने ये बात लिखी है, सही है। या गौर से देखें, ये सिंगल कोटेशन नहीं है, सिंगल कोट होता है ऐसा, ठीक है, डबल कोट होता है ऐसा, ये जो मैंने लिखा है बैकटिक है। ये आपके कीबोर्ड में कहाँ पर होता है, जो अलिफ मद्दा वाला बटन है ना, उसी बटन के ऊपर ये होता है, हाइफन का जो बटन है, ठीक है। शिफ्ट के बगैर आप करेंगे तो ये आएगा, और शिफ्ट के साथ करेंगे तो अलिफ मद्दा आएगा। एस्केप के बटन के नीचे जो है ना, हमारे जो बच्चे उसको कहते हैं अलिफ मद्दा का बटन है। तो ये मैंने बैकटिक लिखा है। अच्छा, इस बैकटिक से जब मैं स्ट्रिंग बनाता हूँ ना, तो उसमें बेनिफिट क्या होता है, मैं इसमें टेम्पलेटिंग कर सकता हूँ कि इस स्ट्रिंग के बीच में कहीं पे वेरिएबल डालना हो तो वो मैं डाल सकता हूँ। तो मैंने क्या बोलना है, मैंने कहना है इट्स और 25 डिग्री सेंटीग्रेड ना, तो 25 की जगह पे वो आएगा डेटा जो मुझे यूज़र ने दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा ऐसे टेम्पलेट बना दूंगा, इसको देख रहे हो गौर से, ऐसे करके मैं बीच में वेरिएबल का नाम लिख सकता हूँ। मैंने कहा टेम्प, मैंने कहा इट्स टेम्प सेंटीग्रेड, तो रिजल्ट में जाएगा क्या, ये टेम्प की जगह पे इसका एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी, तो लिखा हुआ आएगा कि इट्स 25 सेंटीग्रेड, ठीक है। अच्छा, आगे मुझे लिखना है एंड इट्स कोल्ड या हॉट, मैंने कहा इट्स कोल्ड आउटसाइड। अब ये कोल्ड की जगह पे मुझे क्या लाना है, या तो हॉट होगा या तो कोल्ड होगा, कंडीशनली डिपेंड्स के वो यूज़र ने क्या इनपुट दिया है। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, टेम्पलेट बना लूँगा, यहाँ पे मुझे कुछ जावास्क्रिप्ट लिखनी है, टेम्पलेट बना लिया यहाँ पे मैंने। अब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, अब इफ़ तो नहीं लगा सकता यहाँ पे मैं, ठीक है, क्योंकि इफ़ होता है मल्टी लाइन, मल्टी लाइन में फिर मसला हो जाता है। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा टर्नरी ऑपरेटर। तो यहाँ टर्नरी ऑपरेटर लगाने से पहले ज़रा टर्नरी ऑपरेटर को अलग से देख लेते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर काम कैसे करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, टर्नरी ऑपरेटर का जो सिंटैक्स है वो क्या है, ये है। ठीक है,
और मैंने क्या लिखा कि टेम्प इज अगर बड़ा है 25 से. अब देखो ये टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स है हमारा, लास्ट में सेमी कॉलन भी लगा दो तो ऑप्शनल है, ठीक है, नहीं भी लगाओ तो कोई इशू नहीं है. हाँ ये है इसकी कंडीशन, जो इफ की कंडीशन बिल्कुल है ना सेम उसी तरह, यहाँ पे उसको ट्रू फॉल्स चाहिए. अगर ट्रू फॉल्स के अलावा कुछ मिलेगा तो उसको वो पार्स कर लेगा, स्ट्रिंग बिस्ट्रिंग जो भी है, तो ट्रू थी फॉल्स ही वैल्यू देख लेगा वो. अच्छा ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो ये पहली वाली चीज़ रिटर्न होगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो सेकंड वाली चीज़ रिटर्न होगी, ठीक है. तो अल्टीमेटली होगा क्या कि ये टर्नरी ऑपरेटर पूरा, जब ये कोड चलेगा तो टर्नरी ऑपरेटर पूरा यहाँ से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा और एक वैल्यू आ जाएगी इसकी जगह पे, रिटर्न वैल्यू. और वो वैल्यू क्या हो सकती है, या तो ये फर्स्ट वाली होगी या तो ये सेकंड वाली होगी. अच्छा तो अब ये जब रिटर्न कोई चीज़ होती है तो हमने ये देखा था हमारे लिए ज़रूरी होता है उसको हम पकड़ें किसी वेरिएबल में, ठीक है. रिटर्न वैल्यू हमने लास्ट देख लिया, बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया ना हमने, प्रेसिडेंस ऑपरेटर, प्रेसिडेंस और रिटर्न वैल्यू, जो प्लस प्लस माइनस माइनस जब हम पढ़ रहे थे. तो मैंने कहा कि लेट रिजल्ट इक्वल्स टू, ऐसे करके मैंने पकड़ा. अच्छा रिजल्ट दो दो हो गया ना, उसको रोक देता हूँ. तो अभी रिजल्ट में क्या जाएगा, रिजल्ट में डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन या तो हॉट जाएगा या तो कोल्ड जाएगा, ठीक है, या तो हॉट जाएगा या तो कोल्ड जाएगा. तो मैं ये रिजल्ट जो है ना इसको लगा दूंगा, ये मैंने नीचे वाले को ना सेंटेंस बना दिया और रिजल्ट मेरा ये है, रिजल्ट में या तो हॉट होगा या तो कोल्ड होगा. तो अब मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे रिजल्ट ऐसे लगा दूंगा, या फिर ये पूरा टर्नरी ऑपरेटर भी मैं यहाँ पे उठा के कट करके पूरा टर्नरी ऑपरेटर भी यहाँ पे लगा सकता हूँ, ठीक है. दिस इज वाई इट्स कॉल्ड इन लाइन कंडीशन चेकिंग, ये मुझे अलग से वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है. देख रहे हो स्ट्रिंग कहाँ से शुरू था मेरा, मैंने लाइन को ब्रेक किया ताकि अच्छे से समझ आए. यहाँ से मेरा स्ट्रिंग शुरू है, यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स 25 सेंटीग्रेड, ठीक है. उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एंड इट्स. अब इट्स के बाद जो ये इतना टेम्पलेट है ना, ये टेम्पलेट जो है, इस टेम्पलेट में सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक टर्नरी ऑपरेटर मौजूद है. तो ये पूरा टेम्पलेट खुद हट जाएगा, इसकी जगह हॉट या कोल्ड आ जाएगा और फिर आउटसाइड लिखा हुआ जाएगा. तो जब मैं इस पूरे सेंटेंस को लास्ट में जब प्रिंट करवाऊँगा कॉन्सोल डॉट लॉग पे, तो मुझे ये क्या प्रिंट करके देगा, ये पूरा सेंटेंस मुझे प्रिंट करके देगा. और चैट बॉट में हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पूरा सेंटेंस प्रिंट करवाने की. मैंने इसका कॉपी पास्ट किया और पेस्ट कर दिया आके कॉन्सोल, ठीक है. देखो इट्स 25 सेंटीग्रेड एंड इट्स कोल्ड आउटसाइड, पूरा लिखा आ गया. ये जो मैंने लाइन ब्रेक करने के बाद स्पेस दिया ना, ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है. इट्स 25 सेंटीग्रेड, इट्स कोल्ड आउटसाइड. अच्छा अब जैसे ही मैं इस 25 को चेंज करूँगा, ठीक है. अच्छा यहाँ पे बाय द वे मैंने क्या लिखा था, ये असल में 25 पे तो हॉट बताना चाहिए ना, 25 तक तो सही था. हाँ तो लेस देन इसको मैं 24 करूँगा, या लेस देन ऐसे करके इसको 25 कर दूंगा, कि अगर टेम्परेचर छोटा हो 25 से तो फिर क्या हो, कोल्ड हो, अदरवाइज हॉट हो. इसको भी मैंने चेंज कर दिया, ठीक है. तो ऑपरेटर फ्लिप कर सकते हैं आप, या तो जो वैल्यूज़ है उसको भी फ्लिप कर सकते हैं, एक ही बात है. तो अब इसको 25 पे क्या बताना चाहिए, इसको हॉट बताना चाहिए. अब मैं 25 से जैसे ही अगर 24 इनपुट देता है यूज़र, तो ये क्या हो जाएगा, ये कोल्ड हो जाएगा फिर, ठीक है. अगर 32 देता है तो हॉट हो जाएगा. लिखा आएगा इट्स 32 सेंटीग्रेड एंड इट हॉट आउटसाइड. तो हमने ये क्या लगाया, हमने इन लाइन कंडीशन चेकिंग कर ली, इन लाइन, ठीक है. अच्छा इसको मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ से हटा लेता हूँ, फ़िलहाल के लिए उसको मैं वेरिएबल में करके लगाता हूँ ताकि कोड थोड़ा ईजी टू रीड रहा है. लेकिन असल में ये इसीलिए बनाया गया है कि इन लाइन कंडीशन को चेक किया जा सके. मैंने कहा रिजल्ट इक्वल्स टू, ये मैं वापस वैसे ही कर दिया जैसा मैंने उधर पे किया हुआ था, और रिजल्ट को मैंने यहाँ बीच में लगा दिया, ठीक है, ताकि कोड थोड़ा क्लीन रहे, जस्ट इस वजह से. और पहली दफ़ा आप ये पढ़ रहे हैं तो आपको ज़्यादा, तो सेंटेंस जो मेरा बना उसमें क्या आया, इट्स टेम्परेचर सेंटीग्रेड एंड इट्स रिजल्ट आउटसाइड, जो रिजल्ट में हॉट या कोल्ड होगा जो भी होगा. ये सबको समझ आया? अच्छा इस जहाँ पे मुझे इन लाइन चाहिए ना, वहाँ पे मैं इफ एल्स को नहीं लगा सकता, क्योंकि इफ एल्स कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, और जावास्क्रिप्ट में जो चीज़ कोई रिटर्न नहीं करती चीज़ वो क्या करती है, अनडिफाइन करती है. तो इफ एल्स अनडिफाइन रिटर्न करता है, ठीक है. इफ एल्स में क्या होता है, बॉडी होती है हमारी,
अब इफ एल्स की बॉडी में दो लाइन का तीन लाइन का स्टेटमेंट लिखनी होती है मुझे, ठीक है, मुझे अगर चार लाइन की एक स्टेटमेंट है वो कंडीशनली रन करनी है तो इफ एल्स इज दी ओनली ऑप्शन। वो टर्नरी में नहीं हो सकता कि भाई चार लाइन की स्टेटमेंट है ये चला दो, तो इफ में ही करना पड़ेगा। लेकिन मुझे अगर वैल्यू कंडीशनली एक पिक करनी है कि दो में से कोई एक वैल्यू है या तीन में से कोई एक वैल्यू है, तो वो टर्नरी के अंदर ज़्यादा बेहतर होता है। ये टर्नरी वाला काम बाय द वे मैं इफ़ में अगर करता तो कैसे करता, मैं क्या लगाता, मैं पहले तो लेट रिजल्ट बना देता इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, फिर मैं लगाता एक इफ़, और इफ़ में मैं यही कंडीशन लिखता, ठीक है, यही कंडीशन, ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगा दी, यही कंडीशन लिखी मैंने। अब ट्रू होने की सूरत में क्या करता, ये कोल्ड को मैं कैसे करता, मैं बोलता रिजल्ट इक्वल्स टू कोल्ड, ऐसे करता ना मैं, फिर एल्स लगाता यहाँ पे मैं, और एल्स लगा के क्या करता, रिजल्ट इक्वल्स टू हॉट करता मैं, ठीक है, काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया कोड, मतलब चार पांच लाइन का हो गया है ना। तो ये टर्नरी में करने वाला काम है तो उसमें सही होता है, बेस्ट होता है, काम ये करेगा अभी भी, काम ये परफेक्टली करेगा, लेकिन इस पॉइंट पे मुझे इन लाइन अगर होता तो वो ज़्यादा बेहतर था। तो बेहतर है कि मैं क्या करूँ, इसको टर्नरी से करूँ, एक लाइन में करूँ पूरा का पूरा कोड, क्योंकि यहाँ पे मुझे दो वैल्यूज़ हैं, दोनों में से एक को सेलेक्ट करना है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। अच्छा, इस टर्नरी में किसी का कोई सवाल अगर है तो पूछ लें। इफ एल्स की बॉडी के अंदर, हाँ लगा तो सकते हैं, टर्नरी कहीं भी लगा सकते हैं। ये दोस्त ने सवाल पूछा है कि सर अगर इफ एल्स की बॉडी हो और इफ की बॉडी में, फिर इफ की बॉडी में तो 200 लाइन का भी कोड हो सकता है ना, जितना भी आप होना चाहें, उसके दरमियान कहीं पर टर्नरी लगाना पड़े तो क्या हम लगा सकते हैं? जी हाँ लगा सकते हैं। असल में जो काम इफ एल्स में होता है ना, वो अगर आप ज़बरदस्ती टर्नरी में करेंगे तो हो तो वो जाएगा अल्टीमेटली, लेकिन वो कोड कचरा हो जाता है, मसला ही है, ठीक है, वो दोनों का काम एक दूसरे से हो जाता है, जो काम टर्नरी में होता है वो इफ में हो जाता है, इफ का काम टर्नरी में, लेकिन आपने देखा वो कोड लंबा हो जाता है और थोड़ा रीडेबिलिटी का इशू आ जाता है फिर। तो जो काम जिस चीज़ के लिए बनाया गया बेहतर है उस पर करें। इनलाइन बोल दो, हाँ कहाँ पे इंटर दे दें, यहाँ बीच में देखो इसका सिंटैक्स क्या चाहिए, उसको दो चीज़ें चाहिए, नंबर एक कंडीशन चाहिए उसको, उसके बाद क्वेश्चन मार्क चाहिए, ठीक है, उसके बाद चाहिए पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू, बीच में इसको ये चीज़ चाहिए। अब तुम ये कह रहे हो कि अगर मैं यहाँ पे एंटर ऐसे प्रेस कर दूँ तो क्या होगा, सही चलेगा बिल्कुल, कुछ नहीं होगा, नहीं फ्री स्पेस को ना जावास्क्रिप्ट फ्री स्पेस को काउंट नहीं करता, ठीक है, मैं ये एक वैल्यू के बाद एक और इसको प्रेस कर दूँ, एक और लाइन एंटर कर दूँ तो ये रहेगा फिर भी सही, ये फ्री स्पेस जो होता है ना, जो यानी वाइट स्पेसेस जो होते हैं, जावास्क्रिप्ट उसको काउंट नहीं करता। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं ये टेम्प इक्वल्स टू 32 लिखता हूँ, यहाँ पे मैं बहुत सारा स्पेस डाल दूँ, कुछ भी नहीं होगा, एंटर भी कर दूँ तो भी कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये एम्प्टी स्पेसेस को ये काउंट नहीं करते। हाँ सेंटेंस के लिए ये टेम्प जो है ना, ये नंबर अभी मैंने लिया हुआ है डायरेक्ट इनपुट, ये फॉर्म से आ रहा है, जाहिर है स्ट्रिंग में आता है जब फॉर्म से आप इनपुट लेते हैं तो, लेकिन आप नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं उसको। ये टेम्पलेट इसी तरह लिखा जाता है, ये जो खाना बनेगा ना, मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ पर अगर कोई टेम्पलेट लगाना है तो टेम्पलेट ये इस तरह लगेगा। अब इसके दरमियान में आप कोई भी वेरिएबल लिखेंगे वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है, ये टेम्पलेट्स हम अब बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में, तो ये टेम्पलेट बहुत बेस्ट है। ये ES6 में इंट्रोड्यूस करवाया गया है, ES5 में ये नहीं था, ES5 में ये ऐसे वाला स्ट्रिंग होता था, ये ES6 में इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो हम ES6 पढ़ेंगे इस क्लास में ना, इवन दो के जो बुक हमने सेलेक्ट की है वो ES5 में बात कर रही है, लेकिन हम जो भी कोड लिखेंगे वो हम ES6 में लिखेंगे। स्टार्टिंग में डबल कोटेशन अगर आप लगाएंगे तो ये टेम्पलेट काम नहीं करेगा, देखें टेम्पलेट पे एरर आ गया, सही है, ये टेम्पलेट सिर्फ बैकटिक वाले पे काम करता है, ES6 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, ES5 में ये नहीं था। अच्छा जी, तो हमने ये टर्नरी ऑपरेटर को अच्छे से समझ लिया,
कि ये क्या होता है और इनलाइन काम करता है बिल्कुल। अच्छा, इसमें कंडीशन की जगह पे अगर इसको नॉन बुलियन वैल्यू मिलेगी तो पार्स करेगा फॉल्सी ट्रूथ ही वाले रूल के तहत। अच्छा, अब हम लोग जरा कंपैरिजन ऑपरेटर तीन चार ही हैं, एक देख लेते हैं इसमें से। तो एक तो हमने देख लिया लेस देन और ग्रेटर देन। लेस देन ग्रेटर देन तो हम देख चुके हैं, अब इसमें क्या रह गया? इक्वल्स टू रह गया, नॉट इक्वल्स टू रह गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ये रह गया। तो बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये स्क्रीन फंस गई है, स्क्रीन फंस गई है। अच्छा, दोबारा मैं शेयर कर देता हूँ। ऐसे नहीं, गिट पे तो अपडेट हो गई है वो, असल में नंबर की वजह से ना टॉप पे चला गया वो, क्योंकि मैंने ये नंबर जो है ना 1 2 3 जो लगाया हुआ है, ये 1 के बाद 11 आ रहा है उसमें, शायद इस तरह कुछ है, क्योंकि वो उसको डिक्शनरी ऑर्डर में सॉर्ट करता है ना, इसलिए वो ऐसा इशू आ रहा है। चलिए, अच्छा क्या मैं करने लगा था, हाँ कंपैरिजन ऑपरेटर्स 14 कंपैरिजन ऑपरेटर्स।